कोर्ट में गोली मारांगे मेरी जान, जज का भी पसीने आओगे, नूनी बेरा कड़क आओगे। आजकल अच्छा। लोगा में ना सेक्स वैरायटी, गुंडागर्दी वैरायटी, मतलब भाई साहब जिंदगी में ना मैंने इतने मजाक कर लिए, मेरी जिंदगी मजाक बन के रहेगी। तो इसीलिए दो बजारिया ने देखा वह सादर कर विक्रम की राम राम और मैं आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आप भी सोच रहे हो कि आज मैं कहाँ पर बैठा हूँ, और फिलहाल हमारे साथ है लांगा पांगा यानी कि विनय धैया। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा स्वागत करने के लिए जय हरियाणा टीवी का मैं भी धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब आपको पता है कि हरियाणा में एक मुद्दा चला हुआ है, गाना चल रहा है, कौन सा गाना भाई साहब बताइए। भरी कोर्ट में गोली मारांगे मेरी जान, जज का भी पसीने आओगे, नूनी बेरा कड़क आओगे। भाई भी ने के कुछ कहोगे जो ये गाना है भाई, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज का पसीने आवेंगे, तो उसका पसीना आए जिसने गा रखा है भाई साहब। बात बेरा के है, एक तो इन गाने ने कर दिया माहौल खराब। अच्छा हाँ, क्योंकि मतलब भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज कभी आओगे पसीने, इसका मतलब तो जो कानून व्यवस्था मतलब सारा सिस्टम खत्म कर दिया के भाई कोर्ट में गोली मारते हैं भड़के, खुली चुनौती एक तरह से गाने के दौरान, मतलब गाना को चलाने वाली जनता, लेकिन ये नहीं समझ पा रही कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है। जुकर घर की रोटियां छोड़ के जुकर बर्गर पीछे खाओ ने, उन्होंने बेरा चाइनीज माल है फिर तोड़ा समड़ा देगा आदमी ने, उसका सिस्टम यो है। आप ने चंद्रावला गाना कोई भी ठा लो सारे हिट हैं, लेकिन ये बदमाशी वाले गाने 4 दिन तो फलते नहीं चलते, हर भी और मिली ना मैं। अच्छा, जीव तो गाने में बोल बोल रखे हैं कि भी कोर्ट में खड़े हो कभी गोली मारेंगे मेरे जान, जज का पसीने आओगे, जीव जज का पसीने आवा थे, ये पसीने किस काम उस गाना पे हो लिया केस। ये पसीने तो भाई उनका आओगे या तो प्रोड्यूसर के आओगे, क्योंकि उसके पीछे लाग रहे हैं भाई, वही बेचारा के रहा भाई 10-15 लाख जो भी लाग रहे हैं, गाना बनवाना, लिरिक्स लिखवाना, उसका शूटिंग करवाना, मॉडल बुक करना, फिजा चौधरी बढ़िया मॉडल हरियाणा में को आई जाओ है, मतलब पूरा खर्चा लाग रहा अगला का, किसी का कुछ नहीं जानता, प्रोड्यूसर का जाओ होगा। भाई साहब एक बात हो रहा नहीं, मतलब हरियाणा में बहुत सारे जो आजकल जो हरियाणा है ज़्यादातर बदमाशी के आवे हैं, मतलब कलाकार तो और भी बदमाशी के गाने गावे हैं, लेकिन उन पर केस क्यों नहीं, लेकिन इस गाने पर ही क्यों। नू तो अमित सैनी पे भी एक ने कर दिया था केस, बेरा हुआ था हमने पानीपत का एक वकील था उसने केस कर दिया था, अमित सैनी के खिलाफ शिकायत दे दी थी, लेकिन अगर ऊँ देखा जाओ तो भाई साहब अमित सैनी थोड़े ठीक गाने लग गया। ठीक है, विवाद विवाद अपने बारे में बताना को गलत बात नहीं है, लेकिन टायर के नीचे आदमी दे देंगे, जुगर गुलजार भी कई बार गुंडा कर दिए गाने करे हैं, उसके बाद हरियाणा का कोई सा ऐसा कलाकार नहीं जो गुंडागर्दी गाने ना करता हो। ठीक है, आप कैमरा मैन तब घूम, थोड़ा कैमरा में ध्यान रखा है। अच्छा एक बताओ, जैसे कि आपने बताया कि भाई अमित सैंडोत के पे केस हुआ था, पहले हाँ उसकी सपोर्ट में रस्सीकार आया था और कोई काद्यान था कि नहीं था, कोई वकील था उसने केस कर दिया था उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आप ये बताओ मतलब जो केस हुआ है गलत सही हुआ है। यो केस मैं सही गलत के बीच में खड़ा हूँ फिलहाल, एज एन आर्टिस्ट देखे तो लोग सुनना है या पसंद करें, लोग है ना सुनना या चीज पसंद करें, वह गोली मार देंगे चक्के चूरे मतलब अच्छी चीज लोग सुनना पसंद कौन कर दे भाई, गलत चीज इवन है आप ने कोई सभ्यता की है ना 4 घंटे की या 10 मिनट की भी कोई वीडियो बना दो और बोल्ड के सेक्सी सीना की 10 एपिसोडा की वेब सीरीज बना दो, एक एक सीन स्किप नहीं होगा, सारा सीन देखा था होगा। अच्छा, आजकल अच्छा। लोगा में ना सेक्स वैरायटी, गुंडागर्दी वैरायटी, मतलब एक तरह देखा जाओ है तो मतलब इस तरीके का सिस्टम बढ़ गया है, वलगरता वाला सिस्टम आ गया है, घनी होगी एजुकेशन की तरफ घट ध्यान है। अच्छा अपना हरियाणा की बात करें तो अपना हरियाणा पहले बस कोई नहीं। अच्छा अभी बताओ अपने हरियाणा की बात करें तो पहले इस टाइम में देखा था, ईब के टाइम में देखा था कितना बदलाव होगा, अपना हरियाणा कितना बड़ा, मतलब वही की वही है। अगर सिनेमा की बात करें, सिनेमा में तो हो गया है ग्रोथ, गाने एप्पल बनने लगे, बॉम्बे में भी हरियाणा भी गाने सुने जाओ हैं। ठीक है, बदलाव तो यो होया है सिनेमा के अंदर। अगर ऊँ युवा की बात करा तो युवा बिगड़न में दिल्ली बॉम्बे तभी आगे हरियाणा का बालक जा लिया है। अच्छा, हाँ उल्टे पंगे। अच्छा अच्छा विनय भाई
लास्ट में के कुछ आप कहना चाहोगे? बाकी एक जान देना, आप आपके डायलॉग बड़े फेमस हो रहे हैं, पहले ही बहुत ज्यादा, कोई नया डायलॉग आन दे जो लांगा पांगा का जो दर्शक ना सुनाना चाहो। बात मेरा क्या है विक्रम, कुछ समय पहले मैं अमेरिका चले गया था। अच्छा, अमेरिका चले गए थे? हाँ। मजाक वाली बात तो नहीं है भाई साहब, जिंदगी में न मैंने इतने मजाक कर लिए, मेरी जिंदगी मजाक बन के रहेगी। अच्छा, तो इसीलिए दोस्तों मैं अमेरिका के रानी तालाब के अंदर बैठा हुआ हूँ, कैमरा मैन को कहूँगा एक बार चारों तरफ ना घुमाए क्योंकि यहाँ पर बहुत एबल पानी है, पानी को देखते ही मुझे तीरण का जी कर जाता है, इसीलिए मैं बोल देता हूँ दिल से लांगा पांगा। ले भाई, तो भाई बहुत सारी है भाई भी ने तो बात हुई, और बाकी आपने भाई इनकी इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो लांग पांग पर जो वीडियो बना हुआ है। दोस्तों एक बात और बताने चाहूंगा लास्ट के अंदर, जल्दी बताएं, मैं जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। जिस आदमी जो आदमी मौके का मोहताज है, मतलब एक कलाकार स्ट्रगलर है, वो मौके का मोहताज है, उसको मौका नहीं मिल पा अपनी कला दिखाने का, तो ये मत समझो कि वो काबिल नहीं है। ठीक है, समय आने पर वो अपना मौका मिला तो अपनी कला को भी दिखा देगा। ठीक है, तो आने वाले समय के अंदर अपने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सिनेमा के अंदर अच्छा काम हो रहा है, मेवात वेब सीरीज आ रही है वो भी बहुत अच्छी है, अपने एक मित्र रियोम कौशिक उसने बनाई है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टेज ऐप को कि भाई कलाकारों को सपोर्ट करती है, सिनेमा को आगे बढ़ा रही है। तो भाई फिलहाल दे सकते हैं, ये थे हमारे साथ विनोद याद, जो कि वैसे विनोद ये को भी लांगा पांग के नाम से ज्यादा जानते हैं, और आज आपकी है, और एक बार मैं कैमरा मैन तक कहना चाहूंगा, पहले पीछे घुमा कर दिखा दे भाई एक बार सारा का है, इस टाइम फिलहाल हम कित हैं, दिखा दे कैमरा मैन एक बार, ये देख लो भाई हम जींद के रानी तालाब पर हैं, और तो क्या कुछ राय है जो भी हमने इन दो मुद्दे पर बातचीत करी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी भाई राय जरूर दे दियो, हम फिर हाजिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।